हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। कह रहा है कि मैच द कॉलम वन विद द कॉलम टू एंड चूज द करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ठीक है, तो बात करिए कॉलम वन में कार्बोकैटायन होता है। कह रहा है कि कॉलम कार्बोकैटायन होता क्या है? तो कार्बोकैटायन बेटा सिंपल स्पीसीज होती है एक हमारी। ठीक है, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, तो ये मेरा कार्बोकैटायन है बेटा। कार्बोकैटायन में क्या होगा बेटा, मेरे यहाँ पर कोई आर ग्रुप लगा हुआ है, आर मान लो तीसरा ग्रुप, या हाइड्रोजन भी लगा सकते हो, कोई बात नहीं है। ठीक है, चाहे इस तरीके से तीन हाइड्रोजन लगा दो, तो कार्बोकैटायन है बेटा। तो ये मेरा मेरा कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन का मतलब है कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, उसके पास वैकेंट प्योर ऑर्बिटल होता है, ध्यान रखना। ठीक है, क्या होता है वैकेंट प्योर ऑर्बिटल होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे तो आर ग्रुप है बेटा, अगर ये क्या होगा मेरा प्लस आई इफेक्ट, प्लस एच इफेक्ट या प्लस आर इफेक्ट दिखा रहेगा, तो उसको क्या कर सकता है, स्टेबलाइज कर सकता है। ठीक है, मतलब कार्बोटाइन क्या होता है बेटा, कार्बन स्पीसीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन, और इसके एच पी टू हाइब्रिडाइजेशन होती है बेटा। तो ए का क्या आएगा बेटा, मेरा ए का आएगा टू, ए का आएगा टू, तो एक ही ऑप्शन दे रखा है बेटा। तो ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 हो गए आउट। ठीक है, कार्बन आयन की बात करते हैं बेटा। कार्बन आयन की बात करें तो कार्बन आयन क्या होता है बेटा, मेरा ये होता है बेटा कार्बन आयन। ठीक है, इसमें क्या होगा, मान लीजिए कोई तीसरा ग्रुप लगा दिया आर, इसमें क्या होगा बेटा, इस तरीके से ये हाइड्रोजन और ये आर। देखिए बेटा, हमें पता है कार्बन कार्बन के पास क्या होता है, चार वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तीन का यूज हो चुका तो एक बच गया, तो एक इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएगा, मतलब नेगेटिव चार्ज आएगा बेटा। इस कारण से बेटा कैसे लिखा जाता है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दिखाया जाता है हमारे कार्बन आयन के ऊपर, है ना। तो ये नेगेटिव चार्ज दिखा देते हैं कि दोनों इलेक्ट्रॉन को, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटा, ये कार्बन आयन ही होता है। कार्बन स्पीसीज हैविंग नेगेटिव चार्ज ऑन दी कार्बन, देखो पार्ट वन में लिखा हुआ है, तो बी का वन आएगा, यहाँ दे भी रखा है, बिल्कुल सही है बेटा। बात करें बेटा फ्री रेडिकल की, तो ये भी इंटरमीडिएट ही है, तो इसमें क्या होगा, जैसे मेरा सी एस थ्री फ्री रेडिकल है बेटा, तो इस तरीके से फ्री रेडिकल होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखिए वन और टू तो हो नहीं सकता, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज तो है नहीं। तो कह रहा है कि पढ़ लेते थर्ड में क्या लिख रखा है, कि इलेक्ट्रॉन इफेक्ट ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। बेटा पोलराइजेशन का मतलब नहीं है, देखो फोर्थ पार्ट बिल्कुल सही रखा है, एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग ओड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच गया ना बेटा, ये देखिए तीन तो बॉन्ड बना ली इसने कार्बन ने, तो एक बच गया मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो डी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा बेटा, मेरा फोर आएगा, सी का क्या आएगा बेटा, मेरा फोर आएगा। इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है बेटा, देखिए मान लीजिए कोई ग्रुप कार्बन लगा, उससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लगा, तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, इससे जो नेक्स्ट आइटम होगा उसके ऊपर बेटा डबल, इस एक्चुअली में इनके बीच में क्या है बेटा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, इस कारण से इनके बीच में भी बेटा पोलरिटी डेवलप होगी। कैसे, क्यों, क्योंकि इनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, तो बेटा इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया, यहाँ पे कोई और ग्रुप भी लगे होंगे। ठीक है, ध्यान रखना, कहीं सोच रहे हो कार्बन की बैलेंस पूरी नहीं करी, ठीक है, बस मैं दिखा नहीं रहा हूँ बेटा, मैं मान लो कोई दो ग्रुप और लगे हुए, हाइड्रोजन लगे हुए मान लो। ठीक है, जो चीज समझने की वो देखिए, ठीक है, अगर इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आया तो ये भी तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होने के कारण बेटा इसके ऊपर जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ है, इसको बोलते हैं बेटा इंडक्टिव इफेक्ट। तो यहाँ पे तो लिख रखा है बेटा एन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट ड्यू टू द पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड विद इन द मॉलिक्यूल और आयन। पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड हो गया बेटा, सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, इस कारण से पार्शियल पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है, तो डी का आएगा बेटा 3। तो ऑप्शन नंबर 4 परफेक्टली करेक्ट लिखा हुआ है। आई होप यू गॉट द आंसर, थैंक यू सो मच।